नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट काम करने वाले देश के कुछ चुनिंदा आईएएस अफसरों को सम्मानित किया। इन्हीं आईएएस अफसरों में शामिल हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की डीएम डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया और यहाँ की डीएम डॉक्टर सैयद असगर ने जिले को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और कृषि के क्षेत्र में शानदार काम किया है। डॉक्टर सैयद सहरिस असगर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ही ताल्लुक रखने वाली हैं और अपने काम को लेकर अक्सर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद 2013 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ये IAS अफसर बनी। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिस असगर। बैच की IAS अफसर सहरिस इन दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की DM हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अफवाहों को रोकने में सैयद सहरिस ने कमाल की भूमिका निभाई थी। उस दौरान वो जम्मू कश्मीर के सूचना निदेशक एवं जनसंपर्क अधिकारी थी और अफवाहों पर लगाम लगाई थी। UPSC का एग्जाम क्लियर करने से पहले डॉक्टर सैयद कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2011 की भी टॉपर रही हैं। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिस असगर। नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर पीएम मोदी ने देश के अफसरों को उनके कमाल के काम के लिए खूब तारीफ की। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है।